जिसके इल्म का लोहा मानता जमाना है, जिसके इल्म का लोहा जिसके इल्म का लोहा मानता जमाना है। ये इजलास की सरपरस्ती फरमा रहे हैं, हम सब की बड़ी खुशनसीबी है कि तीन साल से जलसा मुसलसल मुनाकिद हो रहा है। इस साल हजरत वाला ने अपनी कमजोरी के बावजूद भी आने की मंजूरी दी और जलसे में तशरीफ ले आए। मैं पूरे मजमे से दरख्वास्त करता हूँ हजरत वाला के लिए दुआ फरमाए, अल्लाह हजरत को सेहत आजिला कामिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमाए और हजरत का साया तादायर हमारे सरों पर कायम फरमाए। हजरत वाला आप हजरत से खिताब फरमाएंगे, हजरत के खिताब को आप हजरत बगौर समाप्त फरमाए। يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما मेरे बुजुर्गों और दोस्तों और अजीजों, मैं इस तरह की आवभगत का आदि कभी नहीं रहा। बहुत शर्म आती है जब मैं कहीं जाता हूँ और लोग आगे पीछे मेरे लगते हैं, सहारा लगाते हैं, तो बड़ा बुरा मालूम होता है। इसलिए कि मैंने अपना मिजाज हमेशा से इस अंदाज का रखा कि जहाँ कहीं भी जाना हो दौड़कर खुद पहुँच जाओ, इसका इंतज़ार ना करो कि गाड़ी आए या कोई आकर ले जाए या कोई 50 मरतबा हमें खुशामद करे। बहरहाल हालात हैं, मजबूरी है, अब तो ये कैफियत हो गई है कि ना मुंह में दांत है ना पेट में आंत। दांत भी सब खत्म हो गए और चूंकि कई साल से खत्म है, मैंने दांत बनवाया नहीं है, लिहाजा दोनों जबड़े भी घिस गए हैं और वो मिल नहीं पाते हैं, इसलिए बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। बहरहाल हाजिर हुआ हूँ और महज इस नियत से चंद बातें अर्ज करूंगा कि मुमकिन है उन बातों की तुफैल में हमारी इस्लाह हो जाए और मुमकिन है अल्लाह तबारक व तआला किसी को तौफीक दे और उन बातों पर अमल करके वो भी अल्लाह की रजा हासिल कर। ये दौर कैसा दौर है वो हम सब जानते हैं। एकदम गंगा चूंके इलाहाबाद से गुजरती है, वहाँ संगम भी है जिसके बारे में मशहूर है, वो सीधी तो बहती ही है लेकिन कभी कभी उल्टी भी बहने लगती है, तो इस दौर में गंगा उल्टी बह रही है। हर गलत को सही और हर सही को गलत ये बतलाया जा रहा है। झूठ का तो इस कदर रिवाज हो गया है कि चूंकि अरबी का एक मकूला है अन्नसौ अला दीन मुलूकिहिम कि इंसान अपने सरबराहों के मजहब और रास्ते पर होते हैं। हमारा सरबराह कितना झूठ बोल रहा है वो हमें खूब मालूम है और इस मकूले के तहत हम भी खूब झूठ बोल रहे हैं। जर्रा बराबर भी इसकी परवाह नहीं कि इसका वबाल क्या होगा और जब अल्लाह की गिरफ्त सामने आएगी तो हम किस तरह से अपने आप को महफूज रख पाएंगे। ना हम ईमान वालों को इसका एहसास है ना बेईमान वालों को ऊपर वाले का कोई खौफ है। वो भी समझता है कि ऊपर नीचे वाला सब मैं ही हूं बैठा, ऊपर वाला कुछ है ही नहीं,
लेकिन जिस रोज ऊपर वाले की गिरफ्त सामने आएगी तो याद रखिए अल्लाह का इरशाद है इन बस रब्बिका लशदीद इन्नहु हुवा युबदिउ व युईद कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, जब उसकी पकड़ आएगी तब तड़प कर रह जाएंगे और छुटकारे का कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। अजीब दौर है, बिल्कुल ये हाल है कि हम उल्टे बात उल्टी हाल उल्टा, हम उल्टे बात उल्टी हाल उल्टा बने क्यों करके हर कार उल्टा, हमारा हर काम ही उल्टा हो गया है, झूठ को सच बतलाना, परेशानी को आसानी बतलाना, गरारी को अरजानी बतलाना, जुल्म को राहत आसानी बतलाना, क्या दौर आ गया है। मैं तो अक्सर ऐसे मौके पर ये शेर पढ़ा करता हूँ कि ये तेरा दौरे तरक्की, ये तेरा अहद हसी, पता नहीं मैंने सही पढ़ा भी या नहीं, ये तेरा दौरे तरक्की, ये तेरा अहद हसी, कहीं हंगामे महशर की अलामत तो नहीं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, दुनिया जिस राह पर भी चल रही है चले, जब अल्लाह की पकड़ सामने आएगी तो वो तड़प कर रह जाएंगे, अल्लाह की तरफ से अभी ढील है, जिसकी मिसाल हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरीके पर दी कि जब मछली का शिकारी शिकार करने तालाब में जाता है, तालाब पर जाता है तो अपनी लग्गी डालता है, उसमें जो मछली का चारा लगा हुआ होता है उसके पास आकर के मछली उसको छेड़ती है तो शिकारी ऊपर महसूस करता है, क्योंकि कुछ अलामत के लिए बांध देता है कि मछली आई है और छेड़ रही है, तो छेड़ते ही फौरन शिकारी अपनी लग्गी नहीं खींचता है बल्कि और ढील देता है, ढील देता है और इसका इंतजार करता है कि जब कायदे से मछली उस पिन को अपने मुंह के अंदर और पेट के अंदर घुसा दे, जब ऐसा करके वो भागती है तो फौरन शिकारी खींचता है उस मछली उस लग्गी को और मछली बाहर आती है, तड़प कर रह जाती है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला का मामला भी इन जालिमों और बद किरदारों और झूठों के साथ यही है कि अभी ढील है, लोग ने मुंह में, जब कायदे से तुम निकल लोगे तो हम ऐसा पकड़ कर खींचेंगे कि समझा तड़प कर रह जाओगे, फिर कोई रास्ता तुम्हें नजर नहीं आएगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बस ये चंद बातें मैंने अर्ज की और इसी के ज़ेर में कुरान शरीफ का ये तर्जमा आपके सामने पेश करता हूँ। और एक बात जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों को हुक्म दिया है, उस रिवायत को पढ़कर अपनी बात खत्म कर देता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इरहमु मन फिल अर्ध यरहमकुम मन फिस समा, के ईमान वालों, तुम इस रूए जमीन पर बसने वालों वाले इंसानों के साथ तुम रहम करो, जब तुम उन पर रहम करोगे तो ऊपर वाला तुम पर रहम करेगा, यानी अल्लाह ताला तुम्हारे साथ रहम करम का मामला करेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि इरहमुल मोमिनीन, ये नहीं कहा कि तुम मोमिनों पर रहम करो, बल्कि क्या फरमाया कि इरहमु मन फिल अर्ज, जो भी हुए जमीन पर, इस जमीन पर बसा हुआ है, हाँ वो किसी मजहब और धर्म से ताल्लुक रखता हो, सब पर रहम करो। तो हमारा मजहब हर एक के साथ रहम करम करने का हुक्म देता है, खा वो ईमान वाला हो और इस्लामी इस्लाम मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो,
या इस्लाम मजहब के खिलाफ दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी धर्म का भी हो, उनके साथ रहम व करम का मामला करने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने फरमाया। हम औरों के सतरा न गए कि वो अपने अपने के को पहचान करके अपनों के साथ रवादारी और रहम व करम और शफ़क़त व मोहब्बत और उल्फत का मामला करते हैं। हमारे नबी ने तो हुक्म दिया कि अपने नहीं रूए जमीन पर हर बसने वाले के साथ रहम व करम और उनके साथ उल्फत व मोहब्बत और रवादारी का मामला, चाहे वो रूए जमीन पर बसने वाला मोमिन हो या गैर मोमिन। इसलिए हमें अपना शियार और अपना तौर तरीका और अपना अखलाक ये बनाना चाहिए कि हम हर एक के साथ रहम करम का मामला करें। अगर कोई नफरत करता है तो हम उसकी नफरत का जवाब उल्फत से दें, मोहब्बत से दें। जब हम ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आज नहीं तो कल वो नफरत करने वाले हमारे करीब आएंगे और फिर मुमकिन है कि अल्लाह ताला उनको ईमान की दौलत से मालामाल फरमा दे। इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, इस्लाम तो किरदार से फैला है। पहले मुसलमानों के और सहाबा के अखलाक और किरदार को देख करके लोग दारे इस्लाम में दाखिल होते थे। ये नहीं कि कोई मोमिन उनकी गर्दन पर तलवार लिए खड़ा रहता था और कहता था कि बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐसा नहीं था। जैसा कि आजकल गैर लोग ये कह रहे हैं कि बोलो फला, क्या उसके बोलने से हम वैसा हो जाएंगे? कुछ नहीं, हमारे दिल ईमान का ताल्लुक दिल से है, जुबान से बोलने से हम कुछ नहीं हो सकते अगर हमारा दिल ईमान के साथ मुतमईन है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों और भाइयों और बहनों, हम सब के लिए लाजिम है कि अल्लाह के इस रसूल के इस इरशाद के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारें और अपने और गैर सब के साथ रहम करम और मोहब्बत और उल्फत का बर्ताव करें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम दुनिया आखिरत में कामयाब होना चाहते हो तुम अपनी दो चीजें ठीक कर लो, एक अपने दिल को सही कर लो, अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा कर लो, दिल में घुसा लो, दिल में दाखिल कर लो ऊपर वाले का डर, और दूसरे ये कि अपनी जुबान तुम दुरुस्त कर लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, ऊपर वाले से डरो। आज जो हमारे बरसर इक्तदार या गैर बरसर इक्तदार लोग, उनके अंदर जो बेरहमी पाई जा रही है उसकी वजह यह है कि उनमें ऊपर वाले का डर निकल गया है, इसलिए कि वो खुद ही अपने आप को ऊपर वाला समझने लगा है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ईमान वालों इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूलू कौलन सदीदा, और सही बात कहा करो, सच्ची और पक्की बात कहो। ये दोनों बातें हमारे इस दौर के अंदर खुसूसन हमारे सरबराहों के अंदर खत्म हो चुकी है। ना तो ऊपर वाले का डर उनके दिल में है और ना तो उनकी जुबान सच्ची और पक्की बात बोल रही है, बल्कि झूठ का पर झूठ, झूठ पर झूठ, और हया चूंकि खत्म हो चुकी है। अरबी का मकूला है इजाफा तकल हया फफल माशे, कि जब हया खत्म हो जाए तो जो जीना आए करो। ये बेहयाई की बात नहीं कि खुली हुई झूठ सारी बात है और फिर आकर के सामने ये कहता है, पता नहीं क्या क्या कहता है, खुदा बेहतर जाने। अल्लाह ताला उनके साथ उनके मामले उनके अफआल और किरदार की तरह मामला फरमाए। भला अल्लाह ने कहा कि अगर तुम कामयाबी चाहते हो, दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हो, तो तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तुम अपना दिल ठीक कर लो, यानी अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा कर, और अपनी जुबान दुरुस्त कर लो। वकूलू कौलन सदीदा, जब भी बोलो तो सच्ची पक्की बात बोलो। तो क्या होगा इसके नतीजे में? अल्लाह ने फरमाया कि यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम,
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. अगर तुमने अपना दिल अपनी जुबान दुरुस्त कर ली तो अल्लाह ताला इसके नतीजे में तुम्हारे आमाल दुरुस्त फरमा देंगे, तुम्हारे जो उल्टे सीधे हरकत हैं उन हरकतों को सही फरमा देंगे, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला तुम्हारी जो खताएं पहले हुई हैं या होने वाली हैं, बहरहाल जो खताएं हुई हैं अल्लाह ताला उसको माफ फरमा देंगे। ये कामयाबी है या नाकामी है? कामयाबी का ये रास्ता हमें अल्लाह ताला ने बतलाया है। और फिर आगे फरमाया कि ये दिल का ठीक करना, जुबान का दुरुस्त करना, जिसके नतीजे में हमारे आमाल दुरुस्त हो जाएंगे, गंदगियों से हमारा अमल पाक हो जाएगा और अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा देंगे। इन सब की तकमील किस तरह होगी? जुबान का ठीक करना और दिल का दुरुस्त रखना। ये कब होगा? जब तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करोगे। वमन युति अल्लाह व रसूल फकद फाज फौजन अज़ीमा, कि जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी, इताअत और फरमाबरदारी का मतलब क्या है कि जो रसूल ने कह दिया बस उसको सुन लिया, कह दिया हाँ बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं, कुछ गलत नहीं है, लेकिन अमल उसके मुताबिक नहीं है, इसका नाम इताअत फरमा बरदारी का मतलब ये है कि जो कुछ कहा जा रहा है उसको अमल में दाखिल किया जाए और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी जाए। तो जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा फकत फाज़ फौज़ अज़ीमा, बिला शक को शुभा वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ने बहुत कुछ बुलवा दिया, दुआ कीजिए इसके तुफैल में अल्लाह ताला हमारी मगफिरत फरमाए, हमारी इस्लाह फरमाए और अल्लाह ताला हम में से जो सुनने वाले लोग हैं उनके दिलों में इन बातों को उतार दे और उन्हें अमल की तौफीक इनायत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।